नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष की कमान दे दी गई, लेकिन जिस पर सबकी नज़रें थी वो थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का ऐलान होना था, मोटा मोटी इस पर सहमति बन गई, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर इससे इनकार कर दिया, कहा कि इसमें उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। ये तो हुई बैठक की बात। अब एक घटनाक्रम पटना में चल रहा है। पटना में आज शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। लगभग 1,00,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। इसके लिए जगह जगह पे होर्डिंग्स लगी है, उसमें नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं और तेजस्वी यादव का नाम है लेकिन फोटो नहीं है, और जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, उनका तो जिक्र ही नहीं है। अब इसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार एक तरफ संयोजक बनने से इनकार करना और दूसरी तरफ होर्डिंग से तेजस्वी का गायब होना क्या इंगित कर रहा। ये सवाल पूछा गया था आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से भी, तो वो ये कह रहे हैं कि मुखिया तो वही हैं, लिहाजा उनकी तस्वीर है, लेकिन तेजस्वी यादव भी सरकार के पार्ट हैं, तो जो भी बोला जाएगा, जो मुखिया होता है उसी का नाम होता है, ये कह करके गोलमोल वो जो है जवाब दे रहे हैं, लेकिन बात इससे बनती हुई सी नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार के बारे में कभी उन्हीं के अग्रज कहें या यूं कहें कि राजनीति के सियासी जो है वो अग्रज साथी लालू यादव कहा करते हैं कि उनके पेट में दांत है, बहुत होशियार हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये पता नहीं चलने देते हैं। आप गौर कीजिए कि जब दीनदयाल उपाध्याय के लेकर के कार्यक्रम था, वहाँ भी वो पहुँच गए थे, उसको लेकर के सवाल उठा था। कांग्रेस के नेताओं के कोई पुण्यतिथि या जन्मतिथि होती है, उसमें भी वो पहुँच जाते हैं। इसलिए वो क्या करने वाले हैं इस पर कोई दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। अब जब संयोजक बनने से उन्होंने इनकार किया, इसके बाद ये चर्चा एक बार फिर से चल निकली है कि फिर वो पार्टी के अध्यक्ष क्यों बने। मुख्यमंत्री भी, पार्टी के अध्यक्ष भी, संयोजक का पद ठुकरा दिया। दो ही तो संभावनाएं हैं। पहली संभावना कि क्या वो पीएम पद के लिए आश्वासन चाहते हैं, विपक्षी गठबंधन जीता तो वो पीएम के दावेदार होंगे, उसकी तो उम्मीद बहुत कम है क्योंकि इस पर तो रार हो जाएगी। तो फिर वो क्या चाहते हैं, क्या उन्होंने भांप लिया है कि विपक्षी गठबंधन में दम नहीं है, बीजेपी जीत सकती है, तो फिर उधर का आरोप किया जाए, क्योंकि एक आरोप उनके ऊपर लगता है। वो क्या आरोप लगता है? आरोप ये लगता है कि जो उन्होंने हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में छोड़ा है, वो उनको रिजाइन कर देना चाहिए था जब आप एनडीए से अलग हो गए, सो उन्होंने किया नहीं। उनके बीजेपी नेताओं से बहुत अच्छे रिलेशन हैं, तो प्रशांत किशोर जैसे नेता तो ये बार बार बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो है जानबूझ करके उनको छोड़े हुए हैं हरिवंश को, ताकि जब कभी ज़रूरत पड़े तो वो बीजेपी से संपर्क साध लें। एक और बात, कभी भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं या बीजेपी है उसको उस पर वो खुल करके वार नहीं करते हैं। जब खूब आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि ये लोग क्या किए, ये लोग तो कुछ करते हैं नहीं, सिर्फ बातें बनाते हैं, उसमें भी सीधे नाम नहीं लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हैं कि उनके नेतृत्व में मैंने काम किया है, वो उन्होंने मुझे दो दो तीन तीन मंत्रालय दे रखा था, बहुत मुझे मानते थे। तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, और आज की बैठक के बाद ये बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं या उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। बस यही दो संभावना है, या तो वो पलटी मारेंगे या उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। अदरवाइज जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक बुला करके, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला करके उन्होंने आनंद फानंद में ललन सिंह को क्यों हटाया। ललन सिंह की आरजेडी लालू यादव तेजस्वी यादव से बढ़ती नज़दीकियाँ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम उन्हें रास नहीं आई थी, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन हटाया क्यों? सिर्फ इसीलिए तो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों कुर्सी अपने पास रखी कि पूरा पावर सेंटर एक जगह रहेगा, जो भी डिसीजन लेना होगा तत्काल डिसीजन ले लेंगे। बीजेपी के नेता भी राहत की सांस ले सकते हैं, जो उनके ले आने के पक्षधर हैं वो भी राहत की सांस ले सकते हैं कि इसका मतलब अभी गुंजाइश बची हुई है। हालांकि बीजेपी औपचारिक तौर पे यही कहती है कि खिड़की दरवाजे छोड़िए, अब तो उनके लिए कुछ भी नहीं खुला है, दरवाजे पूरी तरीके से टाइट करके बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जहाँ ना हो वहाँ हाँ हाँ की पूरी गुंजाइश होती है। तो इस तरीके से आप लब्बल लो आप ये समझ सकते हैं कि या तो नीतीश कुमार संयोजक से भी बड़ा कुछ चाहते हैं, और दूसरी बात नहीं तो वो किसी भी समय कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। रहिए, एक बार देखते रहिए इनका बार। थैंक यू।